एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर यूपी का बताकर वायरल है। ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक सलीम हैदर और रामकृपाल यादव ने पुलिस की पिटाई की। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सोच समझकर नेता का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि योगी राज में किसी विधायक या नेता ने पुलिस कर्मी की पिटाई नहीं की। इसी दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर वायरल है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे शेयर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो की असलियत क्या है। कीवर्ड सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज को 3 दिसंबर का दैनिक भास्कर का आर्टिकल मिला। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये घटना 2 दिसंबर की रात लखनऊ में हुई थी। आर्टिकल के मुताबिक दरोगा विनोद कुमार सड़क से गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी गाड़ी से टकरा गई। ये देखकर कुछ लोग होटल से बाहर आ गए और उन्होंने पुलिस कर्मी की पिटाई करना शुरू कर दिया। आर्टिकल में आरोपी में से एक की पहचान आशीष शुक्ला के रूप में की गई है, जिसने विनोद कुमार को थप्पड़ मारा था। इस मामले में हसनगंज थाना में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने ट्वीट करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबर दी, जिसमें इन 4 आरोपियों के नाम बताए गए हैं। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए वादी SI विनोद कुमार, जो कि पीलीभीत में है, उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 352/21 हसनगंज थाने में पंजीकृत हुआ है। धारा 323, 504, 506, 395, 353 और 34 में इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। प्रवेंद्र माथुर, प्रियांक माथुर, आशीष कुमार शुक्ला, प्रांजुल माथुर। आगे ऑल्ट न्यूज ने हसनगंज पुलिस स्टेशन के SHO अशोक सोनकर से बात की। उन्होंने कहा कि इस घटना के आरोपियों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इस बात पर गौर करें कि समाजवादी पार्टी से सलीम हैदर नाम का कोई विधायक नहीं है, और तो और यूपी में मुख्तारगंज नाम की कोई विधानसभा सीट भी नहीं है। कुल मिलाकर ये वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर झूठा दावा चलाया गया कि समाजवादी पार्टी के विधायक सलीम हैदर ने पुलिस की पिटाई की। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे यूपी से जुड़ी गलत जानकारियां भी बढ़ी है, और इसमें शीर्ष पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने वाली भ्रामक खबरें हैं।